फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल कलर मैंने पाया है अपने बालों में सिर्फ हिना और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत कॉमन है बट माइंड में नहीं आता है, तो मैं बताती हूँ आपको। आपको चाहिए मेहंदी, कोई भी मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैंने पतंजलि की केशकांति हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल किया है, और इस मेहंदी को घोलने के लिए हमें चाहिए ल्यूकवॉर्म वाटर। इस वाटर में अब मैं ऐड करूँगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है हमारा कॉफ़ी। आप सोचेंगे ये क्या नया है, ये तो हमें पता है बट हमें याद नहीं रहता, या हम उसका कंटिन्यूस एप्लीकेशन नहीं करते हैं जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस कॉफ़ी पानी के सॉल्यूशन को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है और इसको यूज़ करेंगे हम अपनी मेहंदी को घोलने के लिए। तो मेहंदी और कॉफ़ी के पानी के कॉम्बिनेशन से हमारे बालों में मिलेगा हमें एक ज़बरदस्त कलर। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम मेहंदी का घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, ताकि आपके बालों में फंसेंगे, फिर उन्हें धोने में आपको पानी ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अगर छोटे छोटे लम्ब्स रह जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपके कलर और बालों के टेक्सचर वगैरह पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारा एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें कोई भी ऑयल, लेमन या दही वगैरह का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए मेहंदी का बेस्ट कलर, और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से कलर उतना बेहतरीन नहीं आता है। रात भर के लिए मेहंदी को रखेंगे, जितना घंटे तक आप मेहंदी को रखते हैं उसका कलर उतना ही अच्छा आता है। आप बाद में बालों को ऑयल करके शैम्पू कर सकते हैं। एक हेयर ब्रश की हेल्प से मैंने बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लिया है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि एक एक बाल आपका मेहंदी से कवर हो जाए। और अब मैं अपने बालों को मेहंदी को कवर करूंगी एक पॉलीथीन से, ताकि मेहंदी ड्राई ना हो। जितनी ज़्यादा मेहंदी आपकी ड्राई होती है, बालों का रफ होने का चांसेस उतना ज़्यादा है। तो कभी भी बालों मेहंदी को बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिए, उसको हमेशा कवर करके रखिए आप पॉलीथीन से या शावर कैप से। मैं शावर कैप परचेज नहीं करती हूँ, पॉलीथीन से ही काम हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है बालों में। बाल एकदम स्मूथ, सॉफ्ट, सिल्की टेक्सचर है, शाइन बहुत अच्छा आ रहा है बालों में। मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। बट एक बात आपको बताना चाहूँगी, एक बार में आपके बालों पे कलर नहीं आता है। जब आप 4-5 एप्लीकेशन करते हैं हिना का, तो आपके बालों में कलर आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में भी आप मेरा साथ दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।